सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले भगवान भौमासुर के राज्य में चले गए। भौमासुर का राज्य जो था बड़ा ही सुरक्षा करके रखा हुआ था। उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे योद्धाओं से युद्ध करना पड़ता था। भगवान ने सभी से युद्ध करके अंदर चले गए। भौमासुर से युद्ध होने लगा। विशाल युद्ध दोनों में चला। गरुड़ जी में ही भगवान अभी सवार हैं, सत्यभामा देवी पीछे हैं। देखो यहाँ सत्यभामा को इसीलिए लेके आए कि सत्यभामा जो थी भू देवी की अवतार है। सत्यभामा भू देवी की, पृथ्वी की अवतार है, और ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, भूमि से प्रकट हुआ। जब ये पैदा हुआ था तो सत्यभामा देवी जो भू देवी के अवतार है, पृथ्वी मैया ने कहा था प्रभु इसको आप तब तक मत मारना जब तक मैं ना बोलूं। इसी कारण आज सत्यभामा को भगवान लेके आए हैं। और युद्ध हुआ, भौमासुर ने बाण चलाया, भगवान ने चलाया, विशाल युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण भौमासुर को प्रहार करते हैं, भौमासुर भी प्रहार करता है, भगवान के हाथ में लगा, दूसरे हाथ में लगा, लेकिन सत्यभामा ने कुछ कहा ही नहीं। भौमासुर ने जैसे बाण चलाया, भगवान तिरछे हुए, सत्यभामा को लगा। सत्यभामा बोली प्रभु आप इसे मारते क्यों नहीं। भगवान ने जैसे मैया ने कह दिया, तुरंत भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।